नमस्कार भाई और बहनों, आज के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के तहत सभी खबरें बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की निकल के आ रही हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की। उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास में लगे घंटी बटन को दबा दें ताकि हम जो भी वीडियो डालें आप तक पहुँच रहे। जहाँ दोस्तों, मोदी सरकार ने एक बहुत बड़े नियम का ऐलान किया है। जी हाँ, बुरे वक्त में मिल जाएंगे आपको 10 लाख रुपये, फ्री में ले लें यह कार्ड। जी हाँ, मोदी सरकार ने देश में कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देना चाहती है। इसके लिए सरकार ने कई कदम भी उठाए हैं, इसमें से एक है रुपे कार्ड। जी हाँ, आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि रुपे कार्ड जो है वह डेबिट कार्ड लेने वालों को 2 लाख रुपए तक का बीमा भी किया जाता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि रुपे कार्ड लेने वालों को 10 लाख रुपए का बीमा भी किया जाता है। यानी कि रुपे कार्ड होल्डर के साथ दुर्घटना होने पर उनसे उनके परिजनों को 10 लाख रुपये मिल जाते हैं। अगली बड़ी खबर है, बीजेपी पर माल्या ने निशाना साधा। कहा, जब मोदी सरकार उनसे 14,000 वसूल चुकी है तो उन्हें पोस्टर बॉय क्यों बनाया। जी हाँ, एक प्राइवेट चैनल में मोदी के साक्षात्कार का हवाला देते हुए कहा है कि भारत में भाजपा के प्रवक्ता उनसे के खिलाफ बयानबाजी क्यों कर रहे हैं। माल्या ने कहा है कि वे 1992 से ही ब्रिटेन में रह रहे थे। जी हाँ दोस्तों, आपके और आपके घर परिवार के बुजुर्गों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। यदि आप अमरनाथ यात्रा करना चाहते हैं तो 1 अप्रैल से, मतलब आज के दिन से, आप रजिस्ट्रेशन शुरू कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए 440 बैंकों में इसका रजिस्ट्रेशन हो रहा है। यह हर साल 1 जुलाई से 15 अगस्त तक चलता है, अमरनाथ यात्रा। जी हाँ, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, आप रजिस्ट्रेशन करा कर जा सकते हैं बैजनाथ घूमने के लिए। अगली बड़ी खबर है, RJD विधायक ने मसूद अजहर को कहा साहब। मंच पर मौजूद थे तेजस्वी यादव। जी हाँ, किशनगंज के बेलवाह स्कूल में RJD विधायक ने PM मोदी को चौकीदार पर घेरने की कोशिश की और इसी दौरान उन्होंने दुश्मन को सम्मान देकर एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। अगली बड़ी खबर है, पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में लोगों ने मनाई होली। जी हाँ, करीब 600 लोगों ने निस्तार सभागार में पहुंचे और वहां पहुंच करके उन्होंने होली मनाई है। अगली बड़ी खबर है, 7 साल में अमित शाह की संपत्ति 3 गुना बढ़कर 38.81 करोड़ हुई। जी हाँ दोस्तों, यह बिल्कुल सही है। अमित शाह की जो संपत्ति है अभी वो 38.81 करोड़ रुपए हो गई है और यह महज 7 साल में उनका संपत्ति ये बढ़ा है।